हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वात, पित्त और कफ के बारे में। आप सोच रहे होंगे कैमरा इस तरीके से क्यों किया गया है। आज मैं आपको वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक तरीका बता रही हूं, घरेलू तरीका बता रही हूं। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूं वात, पित्त और कफ को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, क्योंकि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करके, उत्तेजित करके भी अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि वात, पित्त और कफ में कौन सी चीज़ें नहीं खानी, यानी कि आपने सावधानियां कौन सी रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में, उसके बाद जानेंगे घरेलू इलाज, फिर आयुर्वेदिक इलाज, और साथ में जानेंगे इसके लिए सावधानियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो भी वात यानी वाई का, वात यानी वाई की जब समस्या हो जाती है तो जोड़ों में दर्द होना बहुत आम सी बात है, यानी कि कमर से लेकर पैर तक का जितना भी एरिया होता है वो इफेक्टेड होता है वात के कारण। वैसे तो वात बॉडी में बढ़ने से हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट में पेन होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पेन होता है वो कमर से लेकर पैर तक, यानी लेग में हो सकता है, एड़ियों में हो सकता है, फुट में हो सकता है, कमर में रह सकता है। तो आपको क्या करना होगा, वात को यानी वाई को अपनी बॉडी में बैलेंस करना होगा, ताकि घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द, हर एक बॉडी के जॉइंट में पेन, या फिर अर्थराइटिस जैसी समस्या, मसल पेन जैसी समस्या नहीं हो। वात को बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ, साथ में जानेंगे सावधानियाँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट को जानने के लिए आपको हाथ को उल्टा कर लेना है। हाथ को उल्टा करने के बाद जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, इंडेक्स फिंगर में तीन जॉइंट्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने मिडल जॉइंट देखना है, लेकिन पीछे से मिडल जॉइंट का जो ये मिडल का एरिया है, मैं आपको लाइन लगा कर और एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ। हमने यहाँ का एरिया जो है, और उसको पॉइंट अगर आप मैं बताऊँ तो ये एरिया जो है वो पॉइंट का है। यहाँ पर आपने प्रेस करना है, यानी कि इंडेक्स फिंगर है, मिडल जॉइंट है, उसके साइड पे जहाँ आपको रेड कलर का डॉट दिखाया जा रहा है, यानी कि अंगूठे की तरफ आपने एक डॉट लगा लेना है इसी जगह पर, और यहाँ आपने प्रेस करना है। ये बॉडी में से वात यानी वाई को दूर करेगा, जॉइंट पेन जैसी समस्या को दूर करेगा। वात वाई की समस्या के कारण अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, या फिर आपका सिर दर्द होता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या फिर यूरिन से संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वात बॉडी में जब बढ़ जाती है तो जॉइंट पेन हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, यूरिन करते टाइम जलन होती है, इसके अलावा मसल पेन रहने लगता है, माइंड जो है अनएक्टिव हो जाता है, यानी बहुत जल्दी थक सा जाता है। तो इसके लिए आपको रोज़ाना इस पॉइंट को दबाना चाहिए। इसके अलावा अब मैं आपको वात के लिए ही दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, साथ में आपको बताती हूँ कि वात में आपने खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, वात को पैदा करने वाली चीज़ें आपने नहीं खानी, जैसे कि फूलगोभी, मटर, इनका सेवन तो आपने नहीं करना। इसके अलावा खीरा, टमाटर का सेवन कम करना है और कच्चा नहीं खाना, उड़द की दाल आपने नहीं खानी, ठंडा पानी तो आपने नहीं पीना, और बर्फ़ वाला तो बिल्कुल नहीं पीना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है। दोनों पॉइंट ही आपने प्रेस करने हैं। तो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे थंब में। थंब में भी तीन पार्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन यहाँ थंब में हमने पहला पार्ट जो है, जो सबसे बड़ा होता है, नाखून के जस्ट नीचे आपने एक लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पर इंडेक्स फिंगर वाली साइड पे एक जस्ट जॉइंट है, जो अंगूठे का फर्स्ट जॉइंट, उसके जस्ट ऊपर, लेकिन इंडेक्स फिंगर की तरफ पे यहाँ एक रेड डॉट लगा लीजिए, या फिर किसी भी कलर से डॉट लगा लीजिए। तो यहाँ आपने, मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दी, यहाँ प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने से वात वाई बॉडी से दूर हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को प्रेस करिए, वात वाली चीज़ें नहीं खाइए। इसके अलावा साथ में इलाज भी बता देती हूँ, ताकि सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाए। वात के लिए बता देती हूँ, फिर पित्त के लिए, फिर कफ के लिए भी। वात को दूर करने के लिए बेस्ट तरीका आयुर्वेद में है गिलोय। गिलोय को एक इतनी पावरफुल औषधि माना जाता है, जो हमारी बॉडी में बनने वाली सारी वात, सारी वाई को दूर कर सकती है। ये हमारी बॉडी में घुटनों के दर्द को
दूर करती है। हमारी बॉडी में अर्थराइटिस की समस्या, अर्थराइटिस क्या होता है, हमारी बॉडी के हर एक जोड़ में दर्द होना, उस समस्या को दूर करती है। तो आपने गिलोय का सेवन करना है। इसके अलावा बॉडी में से वात को दूर करने के लिए अगर आपको मैं घरेलू तरीका बताऊँ तो उसमें आता है हल्दी, मेथी और सौंठ। आपने 1 ग्राम के करीब हल्दी पाउडर लेना है, 1 ग्राम के करीब आपने मेथी का पाउडर लेना है और 1 ग्राम के करीब ही आपने सौंठ का पाउडर लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं और नॉर्मल पानी के साथ इन 3 ग्राम मिक्स हुई चीज़ों का सेवन आप कर लीजिए। ये घरेलू तरीका है बॉडी में से वात वायु को दूर करने का, जोड़ों के दर्द को दूर करने का, बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने का और घुटनों के दर्द को दूर करने का। अब मैंने आपको वात के बारे में सारी नॉलेज दे दी, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉडी में पित्त को बैलेंस करने के लिए, यानी कि एसिड को बैलेंस करने के लिए कौन सा पॉइंट है और सावधानियाँ कौन सी हैं। तो आपने क्या करना है, हाथ को हथेली वाली साइड में देखना है और उसकी मिडल फिंगर देखनी है, यानी कि बीच वाली फिंगर को देखना है और उसके भी अपर जॉइंट, ऊपर वाले जॉइंट में देखना है, नीचे के 2 जॉइंट नहीं, ऊपर वाले जॉइंट में लाइन लगा लीजिए और इंडेक्स फिंगर की तरफ, बीच में नहीं, लेफ्ट साइड रिंग फिंगर वाली साइड में नहीं बल्कि इंडेक्स फिंगर वाली साइड में, यहाँ पर पित्त को, यानी कि एसिड जिनके बहुत ज़्यादा बनता है, एसिड बनने के कारण खाना बाहर की तरफ आता है, खाना खाने के बाद बहुत जलन होती है, कुछ लोगों को चाय पीने के बाद बहुत जलन होती है, कुछ लोग चाय और नाश्ता अगर एक साथ कर लें तो बहुत जलन होती है। तो आपने क्या करना है, उन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही है जिनसे आपको एसिड बनता है, लेकिन आपने ये पॉइंट भी ज़रूर प्रेस करना है जो इंडेक्स फिंगर की तरफ है, मिडल फिंगर के बीच में, यानी कि अपर जॉइंट जहाँ आपको रेड डॉट एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई जा रही है, यहाँ आपने प्रेस करना है। इसके अलावा कुछ सावधानियाँ हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ नहीं खाइए, जैसे ही गैस से उतरी है बहुत गर्म है वो आपने नहीं खानी। खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना है, खाने के 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना है। इसके अलावा आप अंकुरित अनाज खाइए, अंकुरित अनाज खाने से बॉडी में पित्त जो है, यानी एसिड जो बनता है वो दूर होता है। इसके अलावा मैं अगर इलाज की बात करूं तो एलोवेरा का जो जूस होता है, अगर आप 4 चम्मच एलोवेरा जूस पीते हैं रोज़ाना, एलोवेरा 4 चम्मच जूस पीते हैं और उसको आधे गिलास पानी में अगर मिक्स करके पीते हैं तो बॉडी में बनने वाला जितना भी पित्त है, एसिड है, वो दूर हो जाएगा, लीवर की कार्य क्षमता कई गुना तेज हो जाएगी। इसके अलावा एलोवेरा जूस पीने से फेस पर आने वाले रिंकल्स, दाग धब्बे ये दूर होते हैं क्योंकि एलोवेरा जूस के अंदर एंटी एजिंग गुण होते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को दूर करने का काम करते हैं, फेस पर, स्किन पर ग्लो लाते हैं, स्किन की टोन को लाइट करते हैं। तो इसको आपने पित्त को बैलेंस करने के लिए मिडल फिंगर के अपर जॉइंट के इंडेक्स फिंगर की तरफ जहां आपको रेड डॉट दिखाया जा रहा है, यहाँ आपने प्रेस करना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कफ के बारे में, यानी कि खांसी के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा कफ रहती है, अस्थमा की समस्या है, जो सांस है वो अच्छे से नहीं आता, तो उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले तो चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी डालकर ही पीजिएगा ताकि आपको कफ की समस्या नहीं हो। इसके अलावा आपने ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, खट्टी, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना। अगर आप दही खाना चाहते हैं तो दोपहर में खाइए और दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो, रात के टाइम तो आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए इलाज कौन सा है और इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए आपको हाथ की हथेली देखनी होगी और उसकी मिडल फिंगर देखनी है, यानी कि बीच वाली फिंगर को देखना है और अपर जॉइंट के नीचे, ऊपर नहीं, क्योंकि मोस्टली सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो ऊपर वाली साइड पे आए हैं, तो जॉइंट के जस्ट नीचे जहां आपको रेड कलर का ये डॉट दिखा रही हूं मैं आपको, यहां आपने प्रेस करना है। इस लोकेशन पर आपने प्रेस करना है, ये कफ को बैलेंस करता है। तो अब मैं आपको बता दूं कफ को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन कौन सी है, तो आप मेथी दाना रोजाना खाइए। मेथी दाना खाने से खांसी की समस्या दूर होती है। वैसे तो गिलोय में इतनी ताकत अकेले में है कि वो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकती है।
अगर आप एलोवेरा जूस नहीं लेना चाहते, मेथी दाना नहीं लेना चाहते, तो आप अकेली गिलोय ले लीजिए। ये वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर देती है। लेकिन कुछ लोगों को गिलोय नहीं मिलती, तो कफ वाले मेथी दाना का यूज़ कर लीजिए। और जिनको जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, वो एलोवेरा जूस का यूज़ कर लीजिए। अगर आप वात पेशेंट हैं, यानी वात यानी वाई बॉडी में बढ़ती है और आपको गिलोय नहीं मिल रही, तो मेथी दाना वात को भी दूर करता है। यानी जिनको वात और कफ की समस्या है, वो मेथी दाना बहुत आराम से ले सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी बनती है, वो मेथी दाना नहीं ले सकते। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है, कौन सी सावधानियां फॉलो करनी है और इसके लिए इलाज कौन सा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके प्यार से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।